सब साथी दुख में न कोई, ये कहावत सही साबित होता है। जनप्रतिनिधि, सच्चे जनप्रतिनिधि जो जनता के भाव से बनते हैं, उनका यही काम है, नेक काम होता है कि जनता के बीच में जाकर गरीब गुरबा को उनका हक दिलाना, उनका मदद करना। आज पूरे देश में लोग विपत्ति का घड़ी है और ऐसे में पश्चिमी बिलासपुर के मुखिया बउआ मियाँ, इससे पहले भी उन्होंने लोगों को मास्क और जो साबुन है वो वितरण किया था। आज सभी वार्ड के आंगनबाड़ी सेविकाओं को बुलाकर उनके वार्ड के बच्चों के हिसाब से गरीब बच्चे जो 6 महीने से लेकर 6 साल तक के बच्चे हैं उन्हें, उनके लिए वितरण किया गया है सामान। आपको बता दें यहाँ पर 6 साल से ऊपर के बच्चे हों या 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए बिस्किट भी दिया गया है बउआ मियाँ के द्वारा। बहुत ही एक बड़ी बात है और सरकार की तरफ से ऐसे मुखिया को सम्मानित भी करना चाहिए जो सब बढ़ चढ़ कर समाज में काम कर रहे हैं। बाढ़ का जब समय आया था, पूरे दरभंगा की बात करें, उस समय में हायाघाट प्रखंड में और पश्चिमी बिलासपुर के लोगों के लिए बउआ मियाँ हैं, उन्होंने आगे आकर सभी लोगों को मदद भी किया था। शेयर और सब्सक्राइब करिए, देखते हैं बउआ मियाँ ने इस अवसर पर अपने इंटरव्यू में क्या कहा है, देखिए पूरा कवरेज। किया जा रहा है, किनके द्वारा वितरण किया जा रहा है, कौन है मुखिया यहाँ के? उनका मुखिया जी का? अच्छा, बउआ मियाँ। तो ये क्या दिया गया है इसमें आपको? बिस्किट है। बिस्किट है, ये किनको बांटेंगे आप लोग? बच्चे सब जो आंगनबाड़ी केंद्र में छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा, 3 साल से 5 साल तक के बच्चे, 1 साल के बच्चे, सबको दिया जाएगा। कैसा कदम मान रहे हैं मुखिया जी का ये? जो अच्छा कदम। आप क्या है? हम सेविका हैं। सेविका है, कहाँ पे? नया टोला हायाघाट में। जी हायाघाट, पश्चिमी बिलासपुर में। जी अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मंजरी खातून। इतने लोगों को आज आपने ये जो सामान वितरण किया है उसके बारे में? ये लगभग 1500 मासूम बच्चे जी, जो 2 साल से लेकर के 5 साल तक के बच्चे हैं जी, उनको हमने कहा किया के वार्ड मेंबर, सरपंच के जो मेंबर है वो, आंगनबाड़ी की जो सहायिका सेविका है और आशा है, इन सब लोगों के सहयोग से इन सब लोगों को कहा है कि 2 साल से लेकर के 5 साल तक के बच्चे को ये बिस्कुट पहुंचाया जाए, यानी पंचायत के सारे लोगों के सहयोग से ये काम हुआ है और सब लोग अपना सामान उठा उठा कर ले दिए। ये कैसे लोगों को दिया गया है, कैसे बच्चों को दिया गया है? उन बच्चों को जो बिल्कुल गरीब और कमजोर है, जिनके परिवार, जिनके माँ बाप अभी काम करने के भी लायक नहीं है, उन बच्चों के बीच ये वितरण करने के लिए हम लोगों ने कहा और हम लोग ये कर भी रहे हैं। क्या लग रहा है ऐसे बच्चों को, मतलब जरूरतमंद बच्चों को? जरूरतमंद है चुके, ये 12 दिन हो गया बंदी और उन मासूम बच्चों पर जो बीत रही होगी, चूंकि हम लोग गांव में घूमते हैं, ये समझ में आता है कि बच्चों की शक्ल देखने के बाद कि इसके साथ क्या परिस्थिति है। आगे आने वाले दिनों में क्या है आपकी रणनीति क्या रहेगी, जैसे जो दूर से लोग आते हैं या ऐसे कोई गरीब लोग हैं जिनके लिए खाना वितरण करना, ऐसी कोई बात? जरूरत अगर ऐसी आए, अल्लाह न करे कैसी जरूरत आगे, अगर जरूरत ऐसी पड़ेगी तो हमारे यहाँ उसका इंतजाम करने का हर मुमकिन कोशिश करेंगे, तो उन लोगों को कि भोजन का भी इंतजाम किया जाए, चाहे जैसे भी हो उसके हम लोग फुल प्रयास करेंगे। भारी संख्या में लोगों को देखा जा रहा है कि सड़कों पर आ रहे हैं, घर से बाहर आ रहे हैं, लोकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? लगातार 3 दिन तक लाउड स्पीकर से किने से लॉन्च करवाए लोगों के बीच कि भाई लॉकडाउन होइए, आप ये बीमारी नहीं है, अल्लाह का कहर है, इस कहर से बचना है तो सरकार के आदेश को मानिए और अल्लाह तबारक तआला से माफी मांगे। हिंदू बिरादरी के लोगों से भी कह रहे हैं कि आप अपने धर्म धार्मिक हिस्से, अपने मजहबी हिस्से माफी मांगे ईश्वर से और इससे वर्जित रहिए, सरकार के कानून को भी मानिए, और मुसलमानों से कह रहे हैं कि भाई नमाज और कुरान ही आपको इस बीमारी से छुटकारा दिला सकता है, क्योंकि इसकी कोई दवाई किसी हिटलर के पास नहीं है, तो हम लोग हमारे भारत ने जो कुछ कर दिया है या कर रहा है भारत, ये लॉकडाउन कर करके भारत ने एक अच्छा मैसेज पूरी दुनिया को दिया, नहीं तो आज भारत का बहुत बुरा स्थिति हो जाएगा। हम इसके लिए तो भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को अपनी पंचायत की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देते हैं, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, इन्होंने जो कदम उठाया है बिहार के बचाव
और बिहार की अच्छाई के लिए, बिहार के फायदे के लिए यह कदम बहुत ही मजबूत, लोग सराह रहे हैं इसमें। कुछ लोग हैं जो अपना इधर उधर बौड़ा रहे, लेकिन हम लोगों ने जो अभी वर्क शुरू किया है उसमें लगातार उसमें कमी आई है, लॉकडाउन का असर पड़ रहा है, अब लोग नजर भी नहीं आ रहे हैं, उतना भीड़ नहीं, बाजार में भी उतनी भीड़ नहीं रहती है। तीन दिन से पूर्व हम लोगों ने सारे वार्ड मेंबर, सरपंच के वार्ड मेंबर, आंगनबाड़ी केंद्र सहायिका सेविका और ये आशा सारे लोगों की बैठक लगातार तीन दिन हम लोगों ने किया और उसका फल मिल ये रहा है कि सारे लोग अपने स्तर से हमारे पंचायत में जो पदाधिकारी हैं सरकार की तरफ से जो स्टाफ है वो और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं और जो लोग बुद्धिजीवी और फिर सियासी लोग हैं सब लोग अपने स्तर से काम कर रहे हैं और सतर्कता के लिए तो बरत रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला हमको यकीन है ज़ाते इलाही पर, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह रहमान हम लोगों को बड़ी कामयाबी मिलेगी, भारत को और भारत को सफलता मिलेगी। ये लॉकडाउन है नहीं, ये बहुत कामयाब कर्फ्यू है जनता के हित में। प्रधानमंत्री को बार बार साधुवाद और मुख्यमंत्री को साधुवाद देना चाहिए, लोगों को इस मुख्यमंत्री ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को साधुवाद उनको मुबारकबाद देना चाहिए। चलिए धन्यवाद। विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी और जितने पदाधिकारी हैं, मीडिया के लोग हैं, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इन लोगों ने बहुत मेहनत किया है। और हमारे जो पंचायत सेवक हैं राम बालक जी, इन्होंने भी बड़ी पंचायत में मेहनत किया है। हर थाना प्रभारी और हॉस्पिटल प्रभारी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन लोगों ने अपने बाल बच्चों को छोड़ करके यहाँ जो बचाव का काम कर रहे हैं बहुत सराहनीय है, बहुत मेहनत इन लोगों ने कर बच्चों को बांटना है। तो खासकर अभी सभी जो आंगनबाड़ी है केंद्र है वो बंद है, तो कैसे अब वितरण करेंगे? घर घर जाके वितरण करना होगा बच्चों के, बच्चों को चिन्हित कर, मतलब जो आपके यहाँ आते हैं। पता ही है कि हमारे पास बच्चे कितने हैं, नहीं है। हाँ। तो हमारे पास लिस्ट है, उसके हिसाब से हम घर घर जाके बच्चे को दे देंगे, बच्चे को देंगे। तो फिर उनको ये भी सिखाएंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग कैसे रखना है या घरों में कैसे रहना है। तो आप लोग क्या काम कर रही हैं अभी, मतलब जो पंचायत घर जा रही हैं, घर घर जा रही हैं, कैसे चिन्हित कर रही हैं लोगों को? चिन्हित करने के लिए घर से आए हुए हैं, उन्हें जो गांव में है उनको सिर्फ यही बताया जाता है साफ सफाई रखिए, डिस्टेंस रखिए। अच्छा अच्छा। और जो बाहर से आए हुए हैं उनको चिन्हित करके खबर करना है पंचायत में। क्या है आप? हम आंगनबाड़ी सेविका हैं। कहाँ की? वार्ड नंबर 9 की। कहाँ, मतलब कौन सा? पश्चिमी बिलासपुर। पश्चिमी बिलासपुर। मुखिया जी का कदम कैसा मान रहे हैं जो ये? नहीं, मुखिया जी तो बहुत अच्छे हैं हमारे इस जगह पर, जो बहुत अच्छे हैं, जितना काम कर रहे हैं वो अपने हिसाब से बहुत। यहाँ पर आपने खुद हाथों से लोगों को जो वितरण किया बच्चों के लिए, क्या कहना चाहते हैं उसके लिए? हम ये कहना चाहते हैं कि इस विपदा की घड़ी में और ये जो दुख की जो बेला है, आपदा है, उसमें हमारे माननीय मुखिया शफीर रहमान बउआ भाई का बहुत ही सराहनीय कार्य है, क्योंकि ये खुद कैंसर से पीड़ित है और ये इस अपने बीमारी का बेपरवाह करते हुए पंचायत की जनता की सेवा में तत्पर हैं। इनको दिल से शुक्रिया और इनकी लंबी उम्र हो, दीर्घ आयु रहे। मैं मोहम्मद आले नाई। क्या नाम? मोहम्मद आले नाई। क्या हैं आप? हम शिक्षक हैं। घर? घर पश्चिमी विलास। कैसे आप सुरक्षित रह रहे हैं? देखिए, सरकार ने जो स्टेप लिया है वो बहुत अच्छा स्टेप है। प्रधानमंत्री जी का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा और मुख्यमंत्री जी का भी शुक्रिया अदा करूंगा जी, और मुखिया जी का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने अपने पंचायत में जी जान लगाकर बीमार होने के कारण भी इन्होंने पंचायत में जितनी सतर्कता दिखाई बहुत तारीफ। आपका भी उम्र हो चुका है, तो ऐसे जो मुखिया हैं पहले कभी होते थे जो? नहीं, ऐसे मुखिया नहीं होते थे, होते थे लेकिन इनके जैसे लगनशील मेहनत कश जनताओं के बीच में जाना ये इनके अंदर। क्या कदम मान रहे हैं, कैसा कदम मान रहे हैं इसको? बहुत अच्छा कदम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शोएब। घर? पश्चिमी मिला। अब घीचिए ना, अब घीचिए। हाँ, कहाँ ले जाएं? जाएं।
कहाँ ले जाए, हम जाएं।